हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में तैयार हो जाइए भरपूर एक्शन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले और थोड़े अच्छे बेहतर संकेत एसजेएक्स निफ्टी दमदार शुरुआत के आसार दिखा रहा है। तेज खुलने के बाद और बढ़ेंगे या फिर ठहरेंगे, मुनाफा वसूली होगी या फिर आएगी लगातार खरीदारी, ये है कुछ सवाल, लेंगे इनके जवाब। शेयर बाजार में आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नई वीकली एक्सपायरी का पहला दिन है, वीकेंड आ रहा है, ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं पर एशिया के बाजारों की अच्छी शुरुआत है। तो ट्रेड में आज कैसी चाल रहेगी भारतीय बाजारों की, और अगर अच्छी शुरुआत है तो उसके बाद और गेंस आएंगे या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली, चर्चा करेंगे अनिल जी के साथ, समझेंगे किस तरह का एक्शन रह सकता है। सर, सबसे पहले तो बताइए आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? बड़े संकेत अमेरिकी बाजारों से आते दिख रहे हैं दीप, भले डाओ 135 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ हो, लेकिन उतार चढ़ाव के बीच वहां पर ट्रेड दिखाई मजबूत शुरुआत, कुछ और मजबूती और उसके बाद तेज गिरावट और फिर रिकवरी, ये था कल के डाओ का हाल। और आज डाओ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, 75-80 अंकों की तेजी डाओ फ्यूचर्स में दिख रही है, और बाकी एशियाई बाजारों में कारोबार मिला जुला और थोड़ा हर तेजी की तरफ होता हुआ दिख रहा है। तो ग्लोबल संकेत काफी हद तक न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर मान सकते हैं, लेकिन कोरोना को लेकर समस्याएं अब भी बरकरार है और कहीं कोई दूर दूर तक आपके लिए राहत के संकेत है नहीं। रिकॉर्ड मामले कल अब तक के एक दिन के सबसे ज्यादा अमेरिका में भी दिखे हैं और हमारे यहाँ भी, ये अभी भी नेगेटिव फैक्टर बना हुआ है। वो अलग बात है कि बाजार का रिएक्शन इस पर नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी भी ये दिक्कत तो है ही। एचसेल टेक और ब्रिटानिया आज दो दिग्गज कंपनियों के आएंगे नतीजे, इन पर नजर रहेगी, और कल एचडीएफसी बैंक के नतीजे रहेंगे शनिवार, लेकिन यहाँ पर उनके नतीजे आने वाले हैं, उस पर भी हम फोकस जरूर रखेंगे। ये एक और ट्रिगर है, यस बैंक का एफपीओ है, आज पैसा लगाने का आखिरी दिन है इन्वेस्टर्स के लिए, 12 रुपए में यस बैंक का शेयर बुरा नहीं है, आप एफपीओ में पैसा लगा सकते हैं। तो आज इसमें किस तरह का रेस्पॉन्स आता है, लगभग आधा बढ़ चुका है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर आज बाजार फोकस करेगा। जी दीप, बिल्कुल अनिल जी, तो कई सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर बाजार को फोकस करना चाहिए, पर अनिल जी अगर हम पिछले दो हफ्तों की बाजार की चाल देखें, और मेरे को याद है सर 7 जुलाई को मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्योंकि 6 जुलाई को जो क्लोजिंग हुई थी वो मार्च के बाद पहली बार हमने निफ्टी पर 10,750 के ऊपर की क्लोजिंग देखी थी, और उस समय मार्केट मोमेंटम थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव था, एक तरफा की गेंस भी आ रही थी पिछले कुछ दिनों में। तब मैंने सर आपसे पूछा था कि अब पहले क्या आते हुए दिखेगा, 11,000 या फिर 10,500। तब से अब तक 10,900 के करीब का इंट्राडे हाई है और 10,570 के करीब का लो है, तो दोनों तरफ के मूवमेंट आए हैं बट दोनों लेवल्स नहीं आए हैं, अब हम वापस उस 10,750 के लेवल्स पर हैं, अब क्या लग रहा है सर पहले क्या आएगा, 11,000 या 10,500? दीप, ये वो कह सकते हैं कि टॉस ऑफ ए कॉइन है, लेकिन हाँ ज़्यादा संभावना है 11,000 के पहले आने की मुझे नज़र आती है। लेकिन इस वक्त जो है ना, बाजार जो आपके साथ कर रहा है वो है एक टाइम वाइज करेक्शन या फिर एक अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेशन, कुछ समय तक एक बड़े लेवल पर वक्त बिताना, इसे आप जो नाम देना चाहें वो दे दीजिए, लेकिन बाजार आमतौर पर यही करता है, एक बढ़िया दौड़ लगाने के बाद रुकता है या तेज गिरावट दिखाने के बाद थोड़ा सा रुकता है और वहां पर लोगों को मन बनाने के का मौका देता है। अगर आप तेजी कर रहे हैं तो ये सोचिए कि क्या मैं इन लेवल्स पर और तेजी करूं और यहां से और ऊपर जा सकता है। होता क्या है, एक तरफा मार्केट में आपको सोचने समझने का मौका नहीं मिलता, जब मंदी का मार्केट और एक तरफा हर रोज गिरा तो आपको यही डिसीजन लेना है कि मैं अभी बेचूं या थोड़ा ऊपर 2% 3% आ जाए, और उस चक्कर में आप रह जाते तो आपको एक्शन फास्ट लेना होता है। तेजी के मार्केट में हम कहते हैं ना कि वो आप अगर सोचते रहेंगे कि मैं आज खरीदूं या कल, तो आपको कल हमेशा ऊपर लेना पड़ता है, वो कहावत है कि इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर, तो जब मिड कैप की बड़ी आंधी चलती है तो वहां पर आप रिसर्च करने बैठेंगे तब तक पता चला आपके टारगेट के ऊपर स्टॉक निकल गया, टारगेट ही नहीं उसके ऊपर। तो ये यूफोरिया होता है या एक तरफा मूव होता है, उसके बाद थोड़ा सेंस आता है, मार्केट की टेंडेंसी है, बहुत लंबे समय तक रेंज में नहीं रहेंगे, बहुत लंबे समय तक वोलेटाइल नहीं रहेंगे, अगर बहुत एक्सट्रीम वोलेटिलिटी दिखेगी आप मतलब कूद फांद के भी थक जाएंगे और आप बैठ बैठ कर भी थक जाएंगे, जो थकने वाला सिस्टम है ना वो दोनों ही चीज में आता है। इस वक्त बाजार में जो आ रहा है सिस्टम वो थकने वाला, वो बैठ कर थकने वाला आ रहा है कि आप पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन से कोई रेंज को तोड़ नहीं पा रहे। और एक और बात दीप, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, बाजार को रेंज तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ता, बड़े ट्रिगर भी नहीं चाहिए और 2-4 दिन भी नहीं लगते हैं रेंज तोड़ने का, अगर बाजार का मन बनी जाए तो वो काम 1 या 2 दिन में ही हो जाता है और इतना फास्ट होता है कि आप देखते रह जाएं। तो मेरा ये समझना है कि 10,500-11,000 आपके लिए निफ्टी की वो कंसोलिडेशन रेंज बनी हुई है जिसके बीच में बाजार वक्त बिता रहा है। 10,500 अगर सपोज आपको तोड़ना है,
आप 10,750 के आसपास हैं, दो दिन 100-150 पॉइंट गिर जाए निफ्टी, कौन सी बड़ी बात है, और ये 10,500 के नीचे आप लीजिए। और उसके लिए क्या चाहिए, एक दिन 500-700 पॉइंट, 800 पॉइंट अगर आपका अमेरिका गिर जाए कि चलिए नेटफ्लिक्स के रिजल्ट खराब आए हैं, गाइडेंस कमजोर है, और अगर पूरी की पूरी तेजी अमेरिका में जो नैस्डिक के शेयरों से बनी है और नेटफ्लिक्स अगर कमजोर नतीजे और कमजोर गाइडेंस देगा, दो दिन तीन दिन नेटफ्लिक्स गिर जाए, तो कौन सी बड़ी बात है कि आपको अमेरिका में वहां से नैस्डिक से करेक्शन शुरू हो और डाउ में आए और डाउ से निफ्टी सेंसेक्स में आ जाए। तो वो भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा ये होगा, मैं एक पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से दो दिन में रेंज आप तोड़ सकते हैं। और अगर आपको मजबूत होना है तो ना ये सब चीजें ठीक है चलती रहेगी, और ग्लोबल मार्केट्स कल 500-700 पॉइंट अगर अमेरिका तेज हो जाए, या फिर पता चला वीकेंड पे एक और अच्छी खबर आ जाए कोरोना की वैक्सीन को लेकर, और आप दो दिन में 100-150 पॉइंट ही तो बढ़ना है, 11,000 पार कर लें। सो पॉइंट ये कि जब तक हम रेंज में रहते हैं तब तक हमें ये लगता है कि अरे 50 पॉइंट भी ऊपर नीचे होने में पसीना आ रहा है, और जब रेंज तोड़ते हैं तो 200-300 पॉइंट के मूव भी आपको छोटे लगने लगते हैं। तो इस वक्त जो बाजार दिखा रहे हैं वो साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं एक अच्छी तेजी के बाद आप अपना मन बनाइए 10,700-800 पर आपको खरीदना है या बेचना है। अगर आप ट्रेंड के साथ है, मैं फिर ये कहूँगा जो डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है जो हमने कल बात की, और जो जो पोजिशनल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो बाजार में आपको अप्रोच कैसे करना है, वो बाजार की चाल समझने से पहले आप अपने आप को समझिए कि आपको एक दो दिन का व्यू लेना है, एक दो हफ्ते का लेना है या लॉन्ग टर्म लेना है। तो सिंपल चीज यही है, एक दो दिन के लिए जब तक रेंज ना टूटे तब तक आप उसी रेंज पर फोकस करिए, 10,550 नीचे है और 10,900 ऊपर है। इसके बाद अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं 10,500-11,000 आपकी रेंज है, इसके बाहर जिस तरफ निकलेंगे, और जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको पता है कि निचले स्तरों से आप 2,500 पॉइंट की तेजी देख चुके हैं, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखें, जब 10,500 के नीचे निफ्टी बंद होने की कोशिश करे तो आपको प्रॉफिट बुक करके इन्वेस्टर के तौर पर निकलना है। तो हर एक तरह के ट्रेडर, चाहे वो डे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो और इन्वेस्टर हो, आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पता होना चाहिए अगर आप बाजार में कैश आउट करना चाहते हैं। और जिनका 3-5 साल का व्यू है उनके लिए तो ये छोटी मोटी चीजें रोज के करेक्शन आते जाते रहेंगे, उन्हें चिंता करने की देखने की जरूरत है नहीं। तो दीप, आपके सवाल का जवाब यही है कि रेंज से बाहर निकलने की तैयारी है, आज नहीं अगले हफ्ते के लिए इंतजार कीजिए, ज्यादा संभावना ऊपर की तरफ है, ज्यादा संभावना ऊपर की तरफ है। एक छोटा सा सवाल और सर, और फिर आज के सेटअप की बात करते हैं। आपने कहा कि बाजार अब अपना मूड बना रहा है इस रेंज से बाहर निकलने से पहले, अब मूड किन बातों पर बनेगा? एक तो अर्निंग्स चल ही रही हैं इंडिया में भी और ग्लोबली, दूसरी बात है सर कि अब तक तो हमने देखा है कि अच्छी खबर पर ज्यादा रिएक्शन आता है, बुरी खबर पर कम रिएक्शन आ रहा है। कोरोना की दोनों तरह की खबरें आ रही है, मामलों में रिकॉर्ड उछाल है पर रोज हम वैक्सीन डेवलपमेंट से लेकर अच्छी ही खबर देख रहे हैं, तो क्या अभी भी अच्छी खबरों पर ही ज्यादा फोकस रहेगा? देखिए दीप, इस सवाल का आसान जवाब मैं दूं आपको, आसान जवाब यह कि बाजार मूड अमेरिका के बाजार से बनाएगा। अगर अमेरिका में तेजी है तो हमारी तेजी है, वहां मंदी है तो हमारी मंदी है, ये सच है और हम चाहे ना चाहे हमें इस सच को मानने की जरूरत है। मैं तो सिंपल ये चीज कहता हूं कि अगर समझिए पिछले तीन महीने अमेरिका के बाजार बंद होते, डाउ बंद होता, तो क्या हम 10,000 की निफ्टी पर 11,000 की निफ्टी पर आ सकते थे क्या हमारे अपने दम पर? अगर आप अमेरिका को देखना बंद करें, खाली अपने बिजनेस धंधों को देखें, अपनी नौकरियों को देखें, अपनी इकोनॉमी को देखें, और जिस तरह से हम घर में लॉक होकर बैठे हैं उसे देखें, तो आपसे तेजी हो ही नहीं पाएगी, भले आपके जेब में पैसे हैं। सिर्फ पैसे होना अलग बात है और उस पैसे को लगाने की हिम्मत आना अलग बात है। तो ये हिम्मत जो हमें पिछले 3 महीनों से दे रहा है डाउ, वही है एक्चुअली, तो वो बड़ा आसान सा ट्रिगर है। लेकिन सवाल ये नहीं कि डाउ की तेजी से हम तेजी कर लेंगे या डाउ की मंदी से मंदी कर लेंगे, सवाल ये जो आप करें कि ये ट्रिगर क्या होगा, ये ट्रिगर किसी को नहीं पता, जो पता है वो ट्रिगर नहीं है, आप समझिए। पता क्या है हमें, पता ये है कि हमें कोरोना के मरीज लाइफ टाइम हाई पर है लेकिन हमें उस पर नहीं गिरना है, पता ये है कि वैक्सीन आने वाली है लेकिन उस पर हमें अनाप शनाप तेजी नहीं करनी, क्योंकि अब पता है जैसे जैसे आप अगस्त जाएंगे सितंबर जाएंगे तो हो सकता है आपको वैक्सीन तैयार मिले ही मिले, मिलने के बाद कितनी बनेगी, बनने के बाद वाकई में ट्रायल में जितनी सक्सेसफुल है क्या एक्चुअली उतनी सक्सेसफुल हो रही है, ये सारी चीजें जो आगे आएगी। लेकिन सबको पता है कि अब जैसे जैसे हम मार्च अप्रैल में नहीं है, हम जुलाई अगस्त में है, और ऐसे में वैक्सीन के नजदीक जैसे जैसे समय जाएगा हम बढ़ते जाएंगे, तो जो ट्रिगर बनेगा वो ट्रिगर शायद हमें पता नहीं है दीप। अब ये ट्रिगर अंदाज लगाने वाली बात है
क्या चीन अमेरिका का तनाव हो सकता है, क्या ट्रंप साहब के कुछ आड़े टेढ़े स्टेटमेंट हो सकते हैं, क्या जो बाइडेन की लीड हो सकती है, या फिर नेटफ्लिक्स की तरह चार और फैंग कंपनियां या फिर अमेरिका की जो बड़ी आईटी कंपनियां वो नतीजे खराब दिखा दे। ये हमें ट्रिगर कहां से आएगा हमें पता नहीं। तो ट्रिगर अननोन है, नोन जो है वो सब पता है मार्केट की प्राइस में, कब होगा ये नहीं पता, क्या होगा ये नहीं पता। ऐसे में जो आम इन्वेस्टर हैं जिन्हें इस लेवल की समझ नहीं है उनके लिए सिंपल है ना, अमेरिकी बाजारों को डाओ को फॉलो करना ठीक है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। डाओ अपनी बुद्धिमता में अपने दिमाग से जिस तरफ जाना है वो जाता है। तो अब अगला ट्रिगर तेजी का क्या बन सकता है, रिजल्ट सबको पता है, वैक्सीन सबको पता है, लेकिन क्या अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम या खत्म हो सकता है ये किसी को नहीं पता। क्या अनएक्सपेक्टेडली यारी दोस्ती की बात कर ले या ट्रंप साहब कहते कि मैंने माफ किया कोरोना को लेकर, ये किसी को नहीं पता। तो क्या होगा वो किसी को पता नहीं, नई चीज क्या हो सकती है उस पर बाजार के रिएक्शन तगड़ा आता है, पुरानी चीजों पर नहीं आता। दीप जी बिल्कुल, क्या होगा उसी पर रिएक्शन ज्यादा आएगा। तो नजर रखते हैं आगे जाकर कैसे डायरेक्शन रहेगी चाल की। पर आज की अगर बाजार की चाल की बात करें तो आज का सेटअप कैसा लग रहा है, ये सारे फैक्टर्स किस तरह से आज के एक्शन को कंट्रीब्यूट करेंगे सर? ग्लोबल संकेत दीप आप पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड पर रखकर चलिए, मतलब खराब तो नहीं है इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि मैं भी है ना अब धीरे धीरे मतलब आदत पड़ी गई पिछले दो हफ्तों से तीन हफ्तों से कि हमने कोरोना के आंकड़ों को देखते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं और रोज सुबह में 7 बजे आपको सुन लेता हूं कि भाई कोरोना का हाल क्या है और फिर मैं है ना आपको नज़रअंदाज कर देता हूं कि चलिए कोई बात नहीं दीप ने बोला तो हमें सुनना जरूरी है लेकिन होना जाना कुछ नहीं इससे। एग्जैक्टली वही हो रहा है, आप देखिए रिकॉर्ड लाइफ में रिकॉर्ड हाई पर आप देखो कोरोना के आंकड़े हैं और बाजार को फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है बाजार का अपना तरीका है काम करने का, अपना तरीका है बढ़ने गिरने का। तो ग्लोबल संकेत हम दीप न्यूट्रल लेकर चल रहे हैं लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं ग्लोबल मार्केट्स में जिस पर फोकस करना चाहिए। एक तो कोरोना की दवा को लेकर अगर वीकेंड पर कोई डेवलपमेंट आता है तो वो मंडे के लिए बड़े काम की होगी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, नेटफ्लिक्स का जो अभी मैंने बात किया रिजल्ट्स काफी खराब है वहां पर और गाइडेंस उतना अच्छा है नहीं अगली तिमाही के लिए। तो आप अब मैं कभी ऐसा कहता नहीं, मैं पहली बार आपको कह रहा हूं कि अब थोड़े वक्त के लिए 2-3 दिनों के लिए नैस्डेक पर नजर रखिए, 2-3 दिनों के लिए इस पॉइंट को नोट करिए ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों की जब हम बात करें, नैस्डेक पर नजर रखिए। और वो क्यों, क्योंकि जो तेजी बनी है ग्लोबल मार्केट्स की, डाओ बाद में आया है, हम क्या नैस्डेक देखते नहीं है इतना गौर से इसलिए पता नहीं, लेकिन जो लोग जानते हैं इस पूरी तेजी के पीछे, पूरी की पूरी तेजी आईटी कंपनियों से बनी है, टेक्नोलॉजी शेयरों से बनी है, नैस्डेक से बनी है, डाओ ने बाद में फॉलो किया है। देखो ना आप सारे के सारे स्टॉक्स नैस्डेक वाले ये जो ज्यादातर हैं बड़े सारे टॉप स्टॉक्स सब लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर नैस्डेक में नेटफ्लिक्स के अर्निंग को बाद अगर कुछ कमजोर, अभी तक तो नैस्डेक फ्यूचर आपको मजबूत दिख रहे हैं, इनफैक्ट आपको डाओ फ्यूचर से ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नैस्डेक इसे इग्नोर करता है या रिएक्शन देता है ये एक आध दिन में आपको समझ में आएगा। अगर इग्नोर करता है फाइन कोई बात नहीं, हम तो आपके साथ ही हैं, तेजी करनी है। अगर नैस्डेक इस पर रिएक्शन देना शुरू करता है और नैस्डेक पहले कमजोर होना शुरू करता है तो फिर डाओ उसको बाद में फॉलो करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। तो ये एक पॉइंट है ग्लोबल मार्केट्स में जो इस पर मेरी नजर है। बाकी वैक्सीन का मिलना, कोरोना के मरीजों का बढ़ना, ये हमें पता है। एशिया स्टेबल है इसलिए न्यूट्रल से पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट। एफआईएस के आंकड़े अभी भी नेगेटिव है, घरेलू फंड्स के आंकड़े जरूर काफी लंबे समय बाद मैंने आज पॉजिटिव साइड पर रखे हैं। वायदा कारोबार के संकेत आज फिर से कॉशियस आ रहे हैं दीप, ये देखिएगा ये इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। सेंटिमेंट कॉशियस से पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव जी। बिल्कुल, तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है बट मिले जुले क्यूज हैं जहां तक बाकी इंडिकेशंस का सवाल है, उस हिसाब से देखें सर तो फिर आज की रेंज क्या निकलती है, किन लेवल्स पर आपकी नजर रहेगी? 10,550-10,625 मेरी वो स्टैंडर्ड रेंज है दीपक, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 3 दिन से उसी रेंज में जहां इसका मन करता है वहां से घूम जाता है, कल 10,600 से घूमे, पिछले 2 दिनों में 10,575 के आसपास से घूमे, तो अपने रेंज में कोई बदलाव करेंगे ही नहीं जब बाजार प्रॉपर आपको वही रेंज रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाए। 10,800-10,850 ऊपर की रेंज है, ज्यादा संभावना है कि इसी में हम काम चला लें, फिर भी ग्लोबल मार्केट्स का मूड बन जाए और डाउ
फ्यूचर्स अगर 200-300 पॉइंट मजबूत हो जाए तो फिर ऊपरी रेंज 10,900 से 10,950 की निकलकर आ सकती है। बैंक निफ्टी 21,225-21,350 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, इस पर फोकस कीजिए। इसके नीचे जाएंगे नहीं वैसे, अगर गए गलती से तो 20,900-21,050 आपके लिए रेंज अगला अहम सपोर्ट है। बैंक निफ्टी ऊपर में 21,850-21,950 रुकावट का लेवल है, प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है, वहां पर रुक गए तो ठीक, अगर उसको पार किया तो 22,122-22,200 बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रॉफिट जोन है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये दो रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। दिन के लिए छोटी रेंज मैं आपको दे दूं, मेरा लिखना रह गया था लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के दिन की निफ्टी की सबसे छोटी रेंज आप पहले मानकर चलिए 10,700-10,800, ठीक है। 10,700 के नीचे जाएंगे तो कमजोरी का पहला संकेत होगा, 10,800 के ऊपर निकलेंगे तो और मजबूत होंगे, तो पहली रेंज तो ये होगी। दूसरी रेंज निकल कर आती है मीडियम रेंज जिसको आप कह सकते हैं 10,625-10,850 की, और सबसे बड़ी रेंज जो आपकी निकलेगी वो 10,575-10,900 की। इन तीन रेंज पर आपको फोकस करना है, 10,700-10,800, 10,625 और 10,850, 10,575 और 10,900, ये तीन बड़ी रेंज आपको ध्यान में रखनी है। बैंक निफ्टी के लिए 21,400-21,850 ये आज दिन की छोटी रेंज है जिस पर फोकस करिए। 21,225-21,950 ये आज की मीडियम रेंज है, ज्यादा संभावना है कि आप इसी मीडियम रेंज से काम चला लें। 21,050-22,050 ये 1,000 पॉइंट की रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी पर बड़ी रेंज हो सकती है दिन के लिहाज से। तो ये सारी रेंज है अब आपके लिए जो मैंने आपको बताई है। जी दीप, बिल्कुल अनिल जी, तो ये तो रही जहां तक आपके रेंज का सवाल है। लगता है अनिल जी कि बैंक निफ्टी वो 22,000 के लेवल्स के लिए एक अटेम्प्ट कर सकता है, अगर हाँ तो कैसा एक्शन देखेंगे? और जो पीसीआर है उसमें हमने इतना बड़ा उछाल देखा है सर, 1.14 से बढ़कर 1.62 एक दिन में। हाँ तो एक कल वही हुआ ना दीप, कल एक्सपायरी का दिन था, शॉर्ट्स कवर हो गए कल, और कल जो मजबूती हुई शॉर्ट कवरिंग की, मैं कल ये कह रहा था कि न्यूट्रल होके जाइए, बहुत ज्यादा गैप नहीं खुलेगा, तो मैं गलत था कल के, सोचा नहीं था कि एसजीएक्स 75 पॉइंट ऊपर दिख जाएगा और शॉर्ट कवरिंग का फायदा आपको मिल चुका था, तो ग्लोबल इतना मजबूत होंगे कल, मुझे तो खैर अंदाजा नहीं था, इसलिए मेरा ये आइडिया था कि कोई ट्रेड लेकर ना जाए, लेकिन वो गलत हुआ। तो आज देखते हैं कितना मजबूत खुलता है और क्या उसके बाद आपको 10,750 की रेंज में क्या मौका मिलता है। 10,750 तक भी मौका मिलता है तो कोई बुरा नहीं है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, पुट कॉल रेशियो 1.62 पर है और ये हायर साइड पर है, यानी शॉर्ट्स कट चुके हैं, लॉन्ग पोजीशंस कम हो चुकी है, शॉर्ट कट चुके, तो हायर पुट कॉल रेशियो पे मुझे थोड़ा सा ऊपरी स्तर पर सतर्क रहना है। और वो ऊपरी स्तर क्या हो सकते हैं, वो लेवल कोई भी हो सकता है, 10,800, 10,825, 10,850, 10,900, मतलब आप एक इसको फ्लो में बाजार को ऊपर जाने दीजिए, ठीक है। थोड़ा और पुट कॉल रेशियो बढ़ेगा जैसे जैसे बाजार दिन के दौरान जाएगा, और वो हो सकता है आपका 10,850 से 10,900 के बीच का कोई भी लेवल। उन लेवल के आसपास जब आप पहुंचेंगे ना, तो फिर आपको है ना एक काम करना है, और वो ये कि आपको है ना वहां पर खरीदना नहीं है। हायर पुट कॉल रेशियो का मतलब जरूरी नहीं कि आप शॉर्ट करें, हायर पुट कॉल रेशियो का मतलब ये कि आप एक 50, 75, 100 पॉइंट बाजार की स्ट्रेंथ के हिसाब से और रेंज के हिसाब से आप एक छोटे करेक्शन का इंतजार करें, वो करेक्शन मिलेगा उसमें वापस ले लेना है, या फिर हायर लेवल पर प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाएं नीचे आए। और बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो कॉन्ट्रा कॉल लेकर शॉर्ट करें 25-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये पुट कॉल रेशियो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहा है हायर साइड पर, मुझे जो ओवरसोल्ड मार्केट से ओवरबॉट मार्केट में एक ही दिन में बदलता हुआ दिखा है। परसों ओवरसोल्ड था, रिकवरी आ गई, कल ओवरसोल्ड था, रिकवरी आ गई, आज ओवरबॉट है, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है दीप, इसके लिए सावधानी आपको रखनी जरूरी है। जी बिल्कुल, तो ये पीसीआर की वजह से सावधानी रखनी जरूरी है, स्पेशली अगर आप फ्रेश खरीदारी की पोजीशन लेना चाहते हैं। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन से सर, उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए एग्जिस्टिंग पोजीशन में है ना दीप, बहुत छोटे स्टॉप लॉस दिए, इंट्राडे में 10,700 का और क्लोजिंग बेसिस पर 10,600 का, वो 10,550 वाला स्टॉप लॉस हटा दिया मैंने। 10,700 के नीचे दिन के दौरान जाए तो फिर कम कर लीजिए, 10,600 के नीचे बंद हो तो निकल जाइए। बैंक निफ्टी पर 21,301 ही स्टॉप लॉस है इंट्राडे में, क्लोजिंग भी और इंट्राडे भी 21,300। शॉर्ट पोजीशन है तो आप 10,825 का स्टॉप लॉस रखें, यहाँ भी मैंने छोटा कर दिया 10,825 का, हालांकि ऊपर कंजेशन जोन है, वैसे कायदे से देखा जाए तो 10,900 बनता है, लेकिन 10,825 काफ़ी है, ज़्यादा रिस्क रखनी नहीं है, क्योंकि क्या है बहुत दिन हो गए, कभी भी ब्रेकआउट देगा फिर आप ब्रेकआउट में 50 पॉइंट 75 पॉइंट भी और आपके एक्स्ट्रा जाएं स्टॉप लॉस के तौर पर, तो क्यों,
नहीं जाने चाहिए। तो 10,825 स्टॉप लॉस रखिए, 21,750 बैंक निफ्टी पे भी छोटा स्टॉप लॉस दिया। वैसे तो आप पूछोगे तो 22,000 के ऊपर स्टॉप लॉस निकलता है और 250-300 पॉइंट के रिस्क क्यों रखना, तो छोटे स्टॉप लॉस में काम करिए, ज्यादा बढ़िया है। लग जाएगा, दूसरी बार वापस मिल जाएगा। और कल ही बैंक निफ्टी ने, तो आपको याद होगा जब हम 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे कि ये किसी भी वक्त ये 21,500 पार करेगा तो तेज दौड़ लगाने को तैयार है। 150 पॉइंट तो चुटकियों में ऐसे ऐसे मिलेंगे, और कल वो हुआ भी, एक्सपायरी का एक्शन दिखा भी। ये वाली आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। तो ये आपके स्टॉप लॉसेस के लेवल हो गए दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ये आपके स्टॉप लॉस के लेवल हो गए, और कल आपको बताया भी गया था किस तरह से बाजार में आपको एक्शन दिख रहा है। अनिल जी ने कहा भी था कि 20,500 के पास अगर निफ्टी आता है और उसके पार जाता, बैंक निफ्टी आता है और उसके पार जाता है, तो फिर आप एक बड़ा उछाल देख सकते हैं 150 पॉइंट्स का, और वो लगभग 15-20 मिनट में ही आते हुए दिख गया था। एक बार देख लेते हैं कि किस तरह की आपको स्ट्रैटेजी दी गई थी बैंक निफ्टी पर, और क्या सलाह थी 21,500 के ऊपर चाल कैसी रह सकती है। पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं, 10,600 इसके नीचे एक्सपायरी होने की संभावना नहीं के बराबर है। तो बड़े मूव के लिए अगर आपको जो तैयारी रखनी है, 10,700 के ऊपर निकल कर टिका तो 50-75 पॉइंट बढ़ जाएगा बैंक निफ्टी। एक लेवल पे नजर रखिए, अब आप 21,500 के ऊपर निकल कर बैंक निफ्टी 3:05 के पहले टिक गया, देख टाइम भी नोट कर लीजिए, 3:05 के पहले 21,500 के ऊपर टिक गया, तो ये कम से कम 200-300 पॉइंट आपको, यानी 21,650 21,750 आराम से दिखा देगा। 150 से 250 पॉइंट की तेजी दिखा सकता है अगर 21,500 के ऊपर टिका तो। और इस बीच 10,700 के पार निकलते रुकेगा नहीं, 50 से 75 पॉइंट की तेजी हो गई, काम हमारा पूरा हुआ, 10,755 का हाई देखते देखते आपको 150 पॉइंट के पहले नहीं रुकेगा बैंक निफ्टी, एग्जैक्टली आपके सामने 21,650 पर ट्रेड करता हुआ 21,671 का हाई बना चुका है। मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, एंजॉय कीजिए लाइफ। बैंक निफ्टी बहुत ही आज्ञाकारी इंडेक्स है, बात मानता है। अनिल जी, कल तो शानदार स्ट्रैटेजी रही निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, और आपने सही लेवल्स पर अप मूव भी पकड़ी थी और एडवाइस भी दी थी। आज अगर कोई नई पोजीशंस बनाना चाहता हो तो उन्हें क्या एडवाइस देंगे? दीप, उसका रीजन ये कि ना आपको डेटा बड़े चाहिए। जब है ना 20-25 लाख शेयरों के, 30 लाख शेयरों के डेटा होते हैं ना बैंक निफ्टी में, तो एनालाइज करना आसान होता है। 2-4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, उसमें क्या आप बोलेंगे, क्या कहेंगे कि बड़ी शॉर्ट कमिंग है? अरे भाई, लाख शेयर अगर कोई खरीद भी लेगा 2 लाख में से, तो कौन सा 50 पॉइंट हिल जाने वाला है बैंक निफ्टी? तो एक्सपायरी के आसपास, प्रॉब्लम यही है, एक्सपायरी के वक्त वाइल्ड मूव्स, बड़े ऊपर नीचे वाले मूव आते हैं, उस समय बैंक निफ्टी का चाल बताना और मुश्किल काम है निफ्टी के मुकाबले में। लेकिन दूसरी तरफ डेटा भी आपको उसी वक्त मिलते हैं, बड़े डेटा है तो एनालिसिस करने में मजा आता है। तो ये बड़ा रिस्की काम होता है, मतलब बड़ी इज्जत दाव पे लगी रहती है जब आप एक्सपायरी के 1 घंटे पहले बैंक निफ्टी पे ये कहे कि 150 पॉइंट बढ़ जाएगा। बहुत मुश्किल है, इजी नहीं होता, लेकिन ठीक है, आपको थोड़ा तो हिम्मत लेके बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, ताकि और डेटा दिखा रहा है, बाकी तो फिर अचानक से कुछ हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी। एनीवे, जो नई पोजीशन की आप बात कर रहे हैं, 10,700 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 10,800-10,825 दो टारगेट, 10,875 10,900 ऊपर के दो और टारगेट, ये 4 टारगेट के लिए बेचना है। अब कहां से बेचना है, 10,825 से सोचना शुरू करिए, 10,850 पे शुरुआत कर सकते हैं, 10,900 पे पक्का बेचिए, 10,925 छोटा स्टॉप लॉस दिया। मैं चाहता तो 11,000 का भी स्टॉप लॉस दे सकता था, लेकिन मुझे देना ही नहीं है, मैंने आज डिसाइड किया कि स्टॉप लॉस छोटे, ट्रिगर हो जाए 20-25 पॉइंट आपके चले जाए कोई बात नहीं, रिस्क बड़ी नहीं रखनी, क्योंकि पता नहीं अंदर से फीलिंग ये आ रही कि कभी भी किसी भी वक्त निफ्टी बैंक निफ्टी 1-2 दिनों में आपको ब्रेकआउट दे देंगे कंसोलिडेशन के बाद, तो वो ब्रेकआउट के वक्त आपका बड़ा नुकसान ना जाए, इसकी मैं, ये मेरी माइंड सेट है पीछे जब मैं छोटे स्टॉप लॉस दे रहा हूं। 10,925 का स्टॉप लॉस है, 10,775 के दो छोटे टारगेट के लिए निफ्टी में करनी है बिक वाली। बैंक निफ्टी खरीदिए, स्टॉप लॉस एकदम क्लियर कट वेल डिफाइंड 21,300 का है। यहां भी मैं चाहता था और छोटा 100 पॉइंट नीचे 21,200 कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे छोटा ही रखना है, बहुत क्लियर है। और इनफैक्ट मैं थोड़े टाइम बाद तो 21,500 आपको ट्रायल करके स्टॉप लॉस लाने की बोलूंगा कि 21,500 पे ले आइए। 21,750 850 950 और 22,075 ये फाइनल टारगेट है, बाकी 3 टारगेट का ही ध्यान में रखिए, चौथा तो आ गया तो नसीब समझो, बनता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख के रखने में आपको सेफ्टी है। बैंक निफ्टी जो आप शॉर्ट करना चाहते हैं, 21,900 से 22,050 की रेंज में शॉर्ट कीजिए, 22,200 का स्टॉप लॉस है, 21,750 650 और 550 ये 3 टारगेट नीचे के बनेंगे, अगर मिल गए तो बहुत ही बढ़िया, क्या कहने। जी दी,
बिल्कुल अंजी, तो नजर रखेंगे इन सारे लेवल्स पर जहां तक नई पोजीशंस बनाने का सवाल है। अंजी फाइनली एफएनओ बैन में हमने रिडक्शन देखा है, 40% का कल रिडक्शन हुआ जहां तक नंबर ऑफ स्टॉक्स का सवाल है। 40%, हाँ ये आंकड़ा अच्छा लगा, 10 में से 4 बाहर। ओके ठीक है, अब 6 बैन में हैं बाकी अभी भी, तो कम होने चाहिए स्टॉक्स बैन में, जितने कम हो उतना बढ़िया, जितना फ्री ट्रेड मिले ना वो बढ़िया है। आइए अब आगे मैं आपको है ना एक बार एफआईआई के डेटा बता दूं। 1,090 करोड़ की एफआईआई ने कैश मार्केट में बिकवाली की है। वायदा कारोबार में खरीदारी के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, क्यों बताता हूँ। आंकड़े एफआईआई के मैंने इसलिए नेगेटिव रखे हैं, एक तो इंडेक्स बेचे उन्होंने 650 करोड़ के, तो स्टॉक्स बेचे हैं 1,090 करोड़ के, इंडेक्स 650 करोड़ के। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की है लगभग 715 करोड़ की, उसके बावजूद 350 करोड़ की बिकवाली आपकी स्टॉक्स में है नेट नेट फ्यूचर्स और कैश मिलाकर, और 650 करोड़ के आपके बेचे हुए इंडेक्स, तो 1,000 करोड़ की तो डायरेक्शनल बिकवाली की है। अब 4,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी ऑप्शंस में है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि एक अच्छी बात इसमें देखनी है तो वो ये कि एफआईज 2 दिन 3 दिन पहले जितने नेगेटिव थे अब उतने नेगेटिव नहीं है। ये पॉजिटिव साइड पर कि आप सीधे सीधे फ्यूचर्स नहीं बेच रहे, थोड़ा ऑप्शंस बेचकर सेफ ट्रेड कर रहे हैं हेजिंग वाला। लेकिन नेगेटिव क्या है, अभी भी बेच रहे हैं 1,100 करोड़ की कैश की बिकवाली कम नहीं होती है। और हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए, डेटा जब आप देखें एफआईज के, तो कैश मार्केट के डेटा को वजन ज्यादा दीजिए। कैश मार्केट में जो भी खरीदारी बिकवाली होती है डिलीवरी लगती है, पैसा लगता है। एफएनओ में जो होती है उसमें हेजिंग वाला इरादा ज्यादा होता है या ट्रेडिंग वाला इरादा ज्यादा होता है, तो आपको मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से क्या फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट वाला। तो कैश के डेटा हमेशा ज्यादा अहमियत वाले होते हैं। दूसरी बात, जब भी एफआईज के रुझान में बदलाव आता है, चाहे वो तेजी से मंदी की तरफ आए या मंदी से तेजी की तरफ, हमेशा पहले एक्शन वायदा कारोबार में होगा। पहले वायदा कारोबार के डेटा बदलेंगे, अगर समझिए तेजी करनी है तो एफएनओ के स्टॉक्स में पहले तेजी होनी लगेगी, इंडेक्स फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स आपको तेजी की तरफ आते दिखेंगे, उसके बाद कैश के स्टॉक्स में आएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन डेटा को पढ़ना कैसे, खाली ऐसे गिन के ऐसे देख लेंगे, इससे आपको बाजार का डायरेक्शन का अंदाजा नहीं लगेगा। बाजार के डायरेक्शन का अंदाजा लगाने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि इन डेटा को कैसे पढ़ना है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब डायरेक्शन बदलने की बात हो पहले एफएनओ डेटा पर फोकस कीजिए, मीडियम टर्म डायरेक्शन लेना हो कैश मार्केट के डेटा पर फोकस कीजिए। तो अभी तक कैश मार्केट के डेटा एफआईज के अच्छे नहीं है, और वायदा कारोबार के डेटा में बदलाव के कोई खास संकेत नहीं है। एक आध दिन की खरीदारी से बदलाव नहीं होता, या एक आध दिन की बिकवाली से भी नहीं, ये ध्यान में रखिए। घरेलू फंड जरूर काफी दिनों बाद जागे हैं नींद से, कल 1,660 करोड़ की बढ़िया खरीदारी की है दीप। बिल्कुल, तो घरेलू फंड्स की तरफ से अच्छा सपोर्ट आया है, बट कैश में अभी भी एक बड़ी बिकवाली का फिगर है जहां तक एफआईएस के एक्शन का सवाल है। सर, वायदा कारोबार के संकेत 3 दिनों में पॉजिटिव से न्यूट्रल से अब कॉशियस हो गए हैं, यहां से क्या संकेत लेना चाहिए, क्या लेवल्स पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए दीप, सिंपल बात तो ये है कि आप आज सीरीज की शुरुआत में डेटा कम है, बहुत ही कम है, ज्यादा है नहीं मेरे पास में। 10,800 के कॉल पे 10 लाख शेयर क्या होना है, 10,700 पे 8 लाख शेयर पुट में कोई खास है नहीं दीप, डेटा है नहीं, इसलिए मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा। जो हमने बात की उसी पर फोकस कीजिए, जो लेवल्स दे ही चुका हूँ। 10 लाख शेयर निफ्टी में कल ऐड हुए हैं, निफ्टी 120 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, थोड़ी लॉन्ग पोजीशन बनी है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी बनी है, और शॉर्ट कम हो गई, इस वजह से आपका पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर दिख रहा है। लेकिन ये हायर साइड का पुट कॉल रेशियो अलर्ट तो आपको करता है, लेकिन इसमें एक सावधानी और रखने की बात है, और वो ये है कि पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, कम पोजीशन पर पुट कॉल रेशियो। एक तो क्या होता है कि जैसे ना आपने ओवरबॉट भी है मार्केट, तो ओवरबॉट 50 लाख शेयर खरीद कर ओवरबॉट है, और एक 10 लाख शेयर खरीद कर ही ओवरबॉट है, तो ओवरबॉट होने के बावजूद पोजीशन ज्यादा नहीं है, तेजी की भी और मंदी की भी, तो तेजी और मंदी दोनों की पोजीशन ज्यादा नहीं है। इसलिए अगर यही अच्छी पोजीशन के साथ ओवरबॉट होता तो तुरंत करेक्शन आपको 75-100 पॉइंट का मिल जाता, तो इसलिए बहुत जरूरी नहीं कि बाजार आपको ओबलाइज करे ही बड़े करेक्शन के हिसाब से। हल्का है बाजार इन टर्म्स नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से ओवरबोट है। तो ये एनालिसिस में आप जितना डीप अंदर जाएंगे ना, जितना एक एक पॉइंट आप अंदर करेंगे, उतनी आपके क्लैरिटी बनेगी, उतनी आपकी समझ बनेगी कि करेक्शन किस पुट कॉल रेशियो पर कितना आ सकता है। हर एक बार पुट कॉल रेशियो किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर हो, और उसमें जरूरी नहीं कि उतना करेक्शन आए। तो अब आप सोचेंगे, अरे अनिल जी आप तो कहते थे 1.62-1.7 पे तो बड़ा करेक्शन आना चाहिए, लेकिन बड़ा करेक्शन कब आएगा, जब बड़ी पोजीशन होगी। अगर बड़ी पोजीशन नहीं तो बड़ा करेक्शन भी नहीं आ सकता। तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है, पोजीशन के साथ मिलाकर देखनी होती है, सीरीज के पहले दिन है या सीरीज के आखिरी दिन है,
ये सारे फॉर्मूला आप धीरे धीरे खुद प्रैक्टिस करेंगे, अरे डेटा को घोट के पी जाओ तो आपको मजा आएगा। फिर आपको है ना किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरी जरूरत पड़ेगी, ना किसी और एक्सपर्ट की, आप खुद डेटा एनालिसिस कर लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इस डेटा को मुझे कैसे पढ़ के कैसे आगे बढ़ना। तो ये एक चीज आज डेटा में देखिए कि कम है पोजीशन। बैंक निफ्टी में भी सेम यही है, 21,000, 22,000, 3-3 लाख शेयर है, कुछ खास पोजीशन है ही नहीं, तो और ज्यादा इसमें डिस्कशन की मुझे नहीं लगता जरूरत है। जी दीप, बिल्कुल, तो डेटा थोड़ा कम है, हफ्ते की एक्सपायरी का पहला दिन है, देखते हैं किस तरह की चाल आती है, पर रेंज आपको दे दी गई है जिसमें आपको आज एक्शन होते हुए दिख सकता है। चलिए, हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ है बताने के लिए कौन से स्टॉक्स पर आपको आज फोकस करना चाहिए। मानसी, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज कैश मार्केट में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ग्रैन्यूल्स इंडिया और साथ ही जेएनए एक्सेस के पहली तिमाही के नतीजे आएंगे, वहीं जयश्री टी और रॉयरन व्हील के चौथी तिमाही के नंबर्स आएंगे। साथ ही पीवीआर आज के दिन राइट्स शेयर लिस्ट होने जा रहे हैं। टाटा सन्स की एक बोर्ड बैठक हो रही है आज, जहां पर कोरोना के चलते बैलेंस शीट पर क्या असर पड़ा है, साथ ही पूंजी निवेश पर आगे क्या किया जा सकता है, इस पर सोच विचार होगा। कैन फिन होम्स की बोर्ड बैठक है, फंड्स जुटाने पर इस बोर्ड बैठक में फैसला कंपनी करेगी। साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स के नंबर्स आते हुए देखे, कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में 10% की गिरावट देखने को मिली है। 1376 करोड़ का हमारा अनुमान था, वहीं 1235 करोड़ के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर 73% की गिरावट है, 180 करोड़ का हम अनुमान लगाकर चल रहे थे, कंपनी का मुनाफा 148 करोड़ जाता दिखा है। ग्रॉस एनपीए 5.3% से 5.2% पर, वहीं नेट एनपीए 2.2% से 1.7% पर जाते हुए दिखे हैं। कलेक्शंस में एक अपटिक देखने को मिला है और साथ ही कंपनी ने एडिशनल प्रोविजंस 577 करोड़ के क्रिएट किए हैं। साथ ही अगर कैश मार्केट की कंपनियों की बात करें, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नंबर्स कल आते देखिए कमजोर नतीजे हैं, कंपनी की आय में करीब 10.5% की गिरावट दिखी है, वहीं डॉलर रेवेन्यू 12.5% गिरती हुई दिखी है। मार्जिन 15.2% से 12.1% पर आते हुए दिखे हैं, वहीं मुनाफे के फ्रंट पर 42% की गिरावट कंपनी ने झेली है। अदर इनकम इनकी गिरती हुई दिखी 61 करोड़ से 14 करोड़ पर। साइंटेक के नतीजे आए, मिले जुले नंबर्स हैं, क्योंकि कंपनी के मार्जिन 4.2% से 5.1% पर बढ़े हैं, मुनाफे के फ्रंट पर 80% का इजाफा हुआ है, वहीं आय में 7.6% की गिरावट देखने को मिली है। भारत वायर रोप्स कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं, कंपनी की आय जो है करीब 20% की बढ़त देखी है, 62 करोड़ से 74 करोड़ पर यहां पर कंपनी की आय आती हुई दिखी है, वहीं मार्जिन नेगेटिव 4.8% से 16.8% पर जाते हुए दिखे हैं। और लॉस कंपनी अब भी देख रही है, लेकिन नुकसान जो है कम होता दिखा है, 13 करोड़ के नुकसान के बदले अब 12 करोड़ का नुकसान इस तिमाही कंपनी ने देखा है। वीएलएस फाइनेंस कंपनी के नतीजे बेहतर रहे हैं, कंपनी के रेवेन्यूज जो है 7 करोड़ से करीब 42 करोड़ पर जाते हुए दिखे हैं, मार्जिन नेगेटिव 51% से 91% पर आते हुए दिखे, और नुकसान से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिखी है, 2 करोड़ का नुकसान देख रही थी, अब ये 82 करोड़ का मुनाफा देख रही है। तो नतीजे वीएलएस फाइनेंस के बेहतर रहे हैं। बिल्कुल, तो कई मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स फोकस में रहेंगे नतीजों के दम पर, ऑफकोर्स मिड कैप आईटी एक बार फिर से आज फोकस में रहेगा। आइए पूजा से भी बात करते हैं, कौन से खबरों वाले स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन दिखेगा। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले आईटीसी और गोडफ्रे फिलिप्स से जुड़ी जो खबर आ रही है, पॉजिटिव खबर ही है इनके लिए, उस पर नजर कर लेते हैं। दिल्ली में तंबाकू के उत्पादन, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी है, और एक साल के लिए ये रोक बढ़ा दी गई है। पहले भी ये रोक लगी थी 4 साल के लिए, लेकिन अब उसको 1 साल तक के लिए और बढ़ा दी है, और सिगरेट पर कोई बैन नहीं लगा है, तो इसका फायदा इन दोनों कंपनियों को मिल सकता है। येस बैंक के एफपीओ का भी एक अपडेट ले लेते हैं। एफपीओ का आखिरी दिन दूसरे दिन एफपीओ 47.94% सब्सक्राइब हुआ, क्यूआईबी हिस्सा पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है, और जो रिटेल हिस्सा है वो करीब 19% सब्सक्राइब हुआ है। एग्रोटेक फूड्स ये स्टॉक पर, इस स्टॉक पर भी नजर रखें, यहां पर राकेश और रेखा झुनझुनवाला ने अपनी हिस्सेदारी घटा दी है, और जून तिमाही में हिस्सेदारी 5.75% से घटाकर 5.14% कर दी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यहां पर भी कुछ डिटेल्स निकल कर आई हैं एफपीआई की हिस्सेदारी को लेकर, और एफपीआई ने जून तिमाही में कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है, 13.34% से बढ़ाकर 15.06% कर दी है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी कंपनी में करीब 1.39% हिस्सेदारी खरीद ली है। पीटीसी इंडिया, पीटीसी फाइनेंशियल में कंट्रोलिंग हिस्सा बेचने की योजना है कंपनी की, और हिस्सा बिक्री के लिए बोलियां भी मंगवा ली हैं, और 31 जुलाई आखिरी डेट है बोली
लगाने की, तो आज इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं आवास फाइनेंशियल्स की। एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से बिकवाली हुई है और एसबीआई म्यूचुअल फंड की जो हिस्सेदारी है वो 3.52% से घटकर अब 3.06% हो चुकी है। ओके, कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कौन कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं आपके पास। गुड मॉर्निंग दीपांशु, एलएनटी फाइनेंस, यहाँ पर नतीजे आए थे और नतीजे जो है अनुमान से कमजोर देखने को मिले थे। क्रेडिट स्वीस अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखे हुए हैं, 50 रुपए के लक्ष्य के लिए 60 रुपए कल की क्लोजिंग है। सिटी की भी रिपोर्ट है जिस पर वे खरीदारी किराए दे रहे हैं, 80 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट अगर आप देखें तो मजबूत नजर आती है। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स हम देख रहे हैं लगातार एक्शन में। टोरेंट फार्मा पर यहाँ पर एक अपग्रेड आया सीएलएसी की तरफ से, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर अब एक खरीदारी किराए दे रहे हैं। लक्ष्य दिया इन्होंने 2920 रुपए का, 2405 कल की क्लोजिंग है। मारुति पर रिपोर्ट आई है सीएलएसी की, बिकवाली की राय को बरकरार रखा है 4700 रुपए के लक्ष्य के लिए। और सीएलएसी की एक और रिपोर्ट है गोदरेज कंज्यूमर्स पर, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 715 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी और कोरोना वायरस के चलते इनके पास ग्रोथ के काफी ज्यादा अवसर देखने को मिल रहे हैं। सीएलएसी की एक और रिपोर्ट है ओबेरॉय रियलिटी पर, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 395 रुपए के लक्ष्य के लिए, 362 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि नतीजे कमजोर थे लेकिन कंपनी का जो ग्रोथ पर फोकस है वो बरकरार देखने को मिल रहा है। थाने में एक कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिससे आगे जाके ग्रोथ की उम्मीद नजर आती है और बैलेंस शीट भी मजबूत है। आखिरी रिपोर्ट है आज के लिए मैक्वायरी की रिपोर्ट है एसबीआई कार्ड्स पर, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 900 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि अब ट्रांजेक्शन में इजाफे देखने को मिल रहे जिसके चलते मान रहे हैं कि इनके मार्केट शेयर भी बढ़त में देखने को मिलेगी। और FY20 से लेकर 23 के बीच में इन्होंने EPS के अनुमान में 30% की बढ़ोतरी की है। तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको दिखेगा एक्शन और इसकी कर लीजिए आप तैयारी। आइए अब करते हैं हमारे सारे मेहमान को शामिल कार्यक्रम में, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और बाकी सारे मेहमान भी। बिगुल पिक ऑफ द डे का गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका। बंसल जी करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरी पिक वही है जो कल दिया था चलते चलते, सिप्ला। 658 का स्टॉप लॉस है, 798 पहला टारगेट, 745 दूसरा टारगेट, सिप्ला पर खरीदारी की राय है। आजकल आप शाम को घर पे जाने के बाद कुछ और काम करने लगे हैं क्या? रोज वो पिक ऑफ द डे दोपहर में दे जाते हैं और उसके बाद में आप सुबह पिक ऑफ द डे देते ही नहीं, तो मतलब बाजार बंद होने के बाद 3:30 बजे के बाद का आपका शेड्यूल क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए अनिल जी, आजकल मैं शाम को काफी पढ़ाई करता हूँ और मैं आजकल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और ये सब बैलेंस शीट वगैरह पढ़ रहा हूँ, जो काम मैंने कभी करा नहीं, जो जिसमें आप माहिर हैं, निपुण हैं नंबर्स को पढ़ने में, तो उनको अनिल जी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बंसल जी, कहाँ चक्करों में पड़े हो आपके लिए इतने इतने, वो दूसरे बंसल जी है ना बैलेंस शीट पढ़ने के लिए, वरिंदर बंसल जी, आप कभी फिर भी जरूरत पड़ जाए तो केपीओ मेरी सर्विसेज ले ले। आप तो चार्ट पढ़िए, सुबह पिक दीजिए, ये कहाँ पिक विक देना बंद करके आप पढ़ाई में लगे इस उम्र में, छोड़िए आप तो चार्ट पढ़िए जो बहुत बढ़िया पढ़ते हैं एकदम शानदार तरीके से, बाकी फंडामेंटल वाला और सब काम आप कर लेंगे। आशीष जी की तरह मत करिए, हमारी नौकरी खतरे में मत डालिए, सब चीज आप कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे लिए कुछ छोड़िए। तो आप तो पिक्स दीजिए, चलिए फिलहाल आपकी सिप्ला मानकर चलता हूं मैं कल वाली पिक। आहा, ये हुई ना बात, कुणाल जी पूरे पूरे ग्रीन, एकदम 100% ग्रीन। कुणाल जी बताइए क्या खरीदेंगे? अनिल जी सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, दीपांशु को गुड मॉर्निंग। अनिल जी कल मैंने आपकी तस्वीरें देखी ट्विटर पे, मुझे बेहद पसंद आई अनिल जी, आपने आप उन तस्वीरों में बहुत ही शानदार लग रहे थे अनिल जी, और आपको स्टूडियो में देखकर अनिल जी स्पेशली जो आपका केबिन है उसमें जो आपकी तस्वीर है वो अनिल जी कमाल की दिखती है। और वापस से अनिल जी मन कर रहा है मेरा भी, राकेश जी का भी, कि हम मुंबई आए आपके केबिन में वापस बैठे आपके साथ और स्टूडियो से आपके साथ शो करें। तो इसकी इच्छा जागृत हुई अनिल जी आपकी तस्वीरें देख के कल, बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी सिचुएशन सारी सामान्य होगी और हम
आपको सबको एक बार फिर से है ना वो बजट कैफे और महाकुंभ टाइप वाला एक आयोजन वैसा करना है, बहुत बहुत लंबा टाइम हो गया, वी ऑल मिसिंग दैट एक्चुअली, तो करते हैं बहुत जल्दी, बस थोड़ी सिचुएशन सामान्य हो जाए। जी कुणाल जी, तो अनिल जी देखिए जैसे राकेश जी ने कहा कि सिप्ला बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट पर, तो सिप्ला में अनिल जी बहुत अच्छी तेजी बनने की संभावना है, तो इसको तो बाय करके चलें, लेवल्स राकेश जी ने दिए। दूसरा एक शेयर है टोरेंट फार्मा, जो मुझे लगता है अनिल जी इसमें भी तेजी देखने को मिलेगी, अभी शायद कुछ पॉजिटिव खबरें भी आई हैं, 2350 के आसपास मुझे एक सपोर्ट दिखता है और मुझे उम्मीद है कि स्टॉक में आपको 2550 तक के लेवल्स एक दो दिन में आते हुए दिखेंगे, तो टोरेंट फार्मा को भी रडार पर रखें। और साथ ही अनिल जी एक और स्टॉक है जो कि मेरे रडार पर दिखाई पड़ रहा है, अगर मान लीजिए इस पर राकेश जी की अनुमति मिल गई तो आज इसको हम लोग रेकमेंड करेंगे, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए जरूर अभी बंधे रहे अनिल जी और कुछ ही समय में ये पिक भी आती हुई दिखी। चलो बहुत ही बढ़िया, राकेश जी की अप्रूवल चाहिए, राकेश जी अप्रूवल देते ही कुछ और स्टॉक बढ़िया आते हुए दिखेगा, टोरेंट फार्मा फिलहाल। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे कौन सी आज? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग, मेरा पिक ऑफ द डे टाटा स्टील है, जिसको बाय करके चले, 342 का क्लोज है, 338 का मेरा क्लोज स्टॉप लॉस होगा और 354 का मेरा टारगेट मुझे लगता है आज के दिन में आना चाहिए। आज मुझे लगता है मेटल्स आउट परफॉर्म करेंगे, दो स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं ये स्पेस में, जिंदाल स्टील और टाटा स्टील, जिंदाल स्टील थोड़ा बहुत चल चुका है, टाटा स्टील अभी चलना बाकी है। ओके, तो टाटा स्टील यहाँ पर खरीदारी करने की राय है वागले साहब की तरफ से, यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं, टाटा स्टील पर 342 के आसपास खरीदारी करने की राय, मेटल स्टॉक्स मजबूत रह सकते हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग सर, आपकी पिक कौन सी आज के लिए? गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मार्केट्स में अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए आज, तो चार्ट पे जो स्टॉक मेरे को कल लोअर लेवल से रिबाउंड होते हुए देखने को मिला, मेटल स्पेस का सेल स्टील अथॉरिटी, इसके अंदर लग रहा है कि एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, जिन्होंने कल पोजीशंस बनाया वो आज पोजीशंस को होल्ड करें, 33 रुपए का नीचे में लगा है स्टॉप लॉस 33 और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 36 रुपए से लेके 38 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं स्टील अथॉरिटी के अंदर, बाय करें 36 रुपए से लेके 38 रुपए तक के टारगेट के लिए, 33 रुपए का नीचे में लगा है स्टॉप लॉस। आइए अब सुमित जी के बाद सचिन जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, सचिन जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी यहाँ पर नज़र है BPCL पे, अगर हम ओवरऑल इसका डेटा देखें तो पिछले 4 हफ्तों से एक पर्टिकुलर रेंज में पर जिस तरीके से कल की प्राइस एक्शन इवॉल्व हुई है और जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आके इतने क्लोजिंग दी है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी यहाँ पर एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, तो ऑन अ डिक्लाइन अराउंड 392-390 इस पर्टिकुलर जोन में आपको खरीदना चाहिए, 380 का लगाना है स्टॉप लॉस, इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है अराउंड 410-412 तक की मूव आ सकती है, बट पोजिशनली होल्ड करने की सलाह होगी 425 के टारगेट के लिए। ओके, ये है राय आपके लिए BPCL पर। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज से, सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज जो स्टॉक चुन के लाए वो नया स्टॉक लाए हैं दर्शकों के लिए और मुझे लगता है कि API स्पेस सबसे ज्यादा बजिंग रह सकता है यहाँ से भी, और वो कंपनी है आरती ड्रग्स। जी हाँ, आरती ड्रग्स 1675 के टारगेट से बाइंग करनी है। API बनाती है ये कंपनी एंटी इंफ्लेमेटरी API, जहां से दर्द कम होता है एंटी इंफ्लेमेटरी, वो API की मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा ये तिमाही नतीजों में। दूसरा, नए ऑर्डर बुक देखने मिलेंगे और रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल है। और तीसरा, एक रोड मैप मिल सकता है, जापानीज कंपनी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिल सकता है और उसका रोड मैप भी मिल सकता है आरती ड्रग्स से ये आने वाले तिमाही नतीजों में। आरती ड्रग्स API फार्मा की कंपनी 1675 के टारगेट से खरीदारी करनी है। ओके,
1675 के टारगेट से खरीदारी करनी है। आरती ड्रग्स पर इस स्टॉक पर नजर रखिए, बड़ा टारगेट आ रहा है सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी, आपके एक हाई कन्विक्शन स्टॉक के आज नतीजे आने वाले हैं। स्टॉक पर तो आपका कन्विक्शन हमें मालूम है, ग्रैन्यूल्स इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, पर नतीजों में कोई खास बात जिस पर नजर रहेगी, किस तरह की कॉमेंट्री या फिर किस तरह के जो मेट्रिक्स है नतीजों पर जो आप देखना चाहेंगे ग्रैन्यूल से? मैं देखना चाहूंगा कि ये कोविड 19 से जुड़ी हुई जो भी ड्रग्स ये बनाती है कंपनी पैरासिटामोल, इस पे कितना बड़ा वॉल्यूम का जंप दिखने मिला है और इस पे आउटलुक क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा फोकस है। और सबसे अहम चीज कि कितने हद तक, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि एपीआई का इंपोर्ट चाइना से कितना कम हुआ है और भारत की कंपनी कितना बनाने लगी है स्पेशली ग्रैन्यूल्स के लिए। तो मैं ये बल्क ड्रग पे ध्यान देना चाहूंगा और इस पे कमेंट्री कर देखना चाहूंगा। नतीजे अच्छे रह सकते हैं, मार्जिन में भी इजाफा हो सकता है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से नतीजे एक्सपेक्टेशन के बराबर ही रहेंगे। ओके, नतीजे एक्सपेक्टेशन के बराबर रहेंगे। हमने स्टॉक में एक शानदार चाल जरूर देखी है और सिद्धार्थ जी की तरफ से रेगुलरली आपको कन्विक्शन भी आया है स्टॉक में और आगे भी बड़े टारगेट्स हैं, बट नजर रखिए ग्रैन्यूल्स पर, इसके नतीजे आज आने वाले हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पर हम नतीजों के दम पर एक्शन देखने वाले हैं। L&T फाइनेंस, इसके भी नतीजे आए हैं और काफी कमजोर नतीजे रहे हैं। सचिन जी, स्टॉक भी काफी ज्यादा दबाव में हमने देखा है जहां तक L&T फाइनेंस का सवाल है। बाकी NBFCs में थोड़ा बाउंस बैक आया है, इस स्टॉक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब कैसी चाल देख रहे हैं, टेक्निकल सेटअप कैसा दिख रहा है जहां तक L&T फाइनेंस के स्टॉक की बात है? दीप, यहाँ पर वीकनेस काफ़ी एविडेंट है और जिस तरीके से यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में दबाव रहा है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर दबाव थोड़ा सा और एक्सटेंड होना चाहिए। अराउंड 52-54 इस पर्टिकुलर जोन में ही उसका एक मेजर सपोर्ट है, तो मुझे लग रहा है उस पर्टिकुलर लेवल तक एक बार ये एक्सटेंशन आनी चाहिए। ऑन द हायर साइड यू नो काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है अभी अराउंड 65 के आसपास, तो जब तक ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तब तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेगेटिव रुझान में ही रह सकता है। तो यहाँ पर बेरिश बायस कंटिन्यू रखना चाहिए, 65 का होगा स्टॉक लॉस और नीचे मुझे लग रहा है 52-54 ये एक अच्छा रिव्यू जोन होगा स्टॉक के लिए। ओके, नजर रखते हैं जहां तक L&T फाइनेंस का सवाल है, एक रिएक्शन जरूर आपको आते हुए दिखेगा इस स्टॉक में। कुणाल जी, ICICI प्रूडेंशियल, कल भी स्टॉक के बारे में बात करी थी, यहां पर कुछ एक्शन कल भी हमने देखा है और कमेंट्री भी आई, आज खबर भी आई है कि FPIs ने जून तिमाही में कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है, बल्कि 13.34% से बढ़ाकर अब 15% के पार है और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने लगभग 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है। कुछ और एक्शन दिख सकता है जहां तक ICICI प्रू की चार्ट का सवाल है? स्ट्रक्चर है यहाँ पर दीपांशु, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और ब्रेकआउट का इंतजार है, तो अगर ये आज 440 के ऊपर निकल जाता है तो इसमें ये ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर आप देखेंगे कि इसमें 460-465 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो मेरी राय में बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। कल का मूव बहुत इंटरेस्टिंग था, 440 की रेजिस्टेंस सामने दिख रही है, ये लेवल पार होगा तो डेफिनेटली ICICI प्रू में खरीदारी किराया है। ओके, नजर रखते हैं ICICI प्रू पर, शानदार एक्शन कल हमने देखा, पार्टिसिपेशन थोड़ा आते हुए देखा, आज देखते हैं खबर के दम पर क्या रिएक्शन आएगा। सुमित जी, आपकी कल सुबह का सैटेलाइट स्टॉक साइंट, इसके नतीजे आए, थोड़े मिले जुले नतीजे रहे हैं, उतने मजबूत नहीं रहे हैं जितने शायद कुछ बाकी IT कंपनी से हमने देखे हैं, बट फिर भी साइंट का स्ट्रक्चर जो ऐसा है और आज नतीजों पर जो रिएक्शन आएगा उस हिसाब से कैसी चाल रहनी चाहिए स्टॉक की? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर तो बढ़िया ही है स्टॉक का, चार्ट के अंदर कुछ भी खराबी देखने को नहीं मिली, कल हाईस के आसपास स्टॉक ने बंद दिया है और प्लस वॉल्यूम्स पिछले 10 से 15 दिनों के हायर लेवल्स पे देखने को मिले हैं, तो ये स्ट्रक्चर को देखते हुए और चार्ट्स के रीडिंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर ही जाना चाहिए और जिस तरह से पूरे IT स्टॉक्स के अंदर मूव देखने को मिल रहा है तो ये स्टॉक लोअर लेवल से बेस बना के एक तेजी की जस्ट शुरुआत कर रहा है, तो एक बार ये 300 का लेवल तोड़ेगा तो फिर कन्विक्शन और स्ट्रांग हो जाएगा, फिलहाल 295 से 300 तक का मूव दिखा सकता है ऐसा लगता है। ओके, तो ये है आपके लिए साइंट लिमिटेड पर नतीजों के लिहाज से राय आपके लिए आती हुई। आइए एक और स्टॉक है जहां पर राकेश झुंझुनवाला ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी घटाई है, एग्रोटेक फूड्स, 0.6% से 5.25% के आसपास घटाई है, बहुत ज्यादा तो नहीं। सिद्धार्थ जी, ट्रैक करते हैं आप और क्या है आपकी राय? जी, माफी चाहूंगा, ये स्टॉक हम लोग ट्रैक नहीं करते।
ओके, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं आप सारे सारे ट्रैक करो, आपके तो आप जो ट्रैक कर रहे हो ना वही करते रहो भाई साहब, वो सबसे बढ़िया है, उसमें लोगों के बढ़िया पैसे बन रहे हैं। आप तो वो 100-125 रुपए में ग्रेन्यूल्स दिलाते हो, 200-250 रुपए में जो दीपक नाइट्राइट दिलाते हो, यही काम करो, फर्स्ट क्लास बढ़िया, इधर उधर दाएं बाएं बिल्कुल। सिद्धार्थ जी आपकी पिक्स है ना कमाल की है, उसी पर एकदम 100% फोकस रखो, वही पढ़ो और वही आप बंसल जी को भी सिखाओ, वही आप बंसल जी को भी सिखाओ कि बंसल जी चार्ट पे फोकस करो, कहाँ बैलेंस शीट वैलेंस शीट के चक्करों में पड़े हो, पता चला बैलेंस शीट के चक्कर में चार्ट वार्ट देखना बंद कर देंगे। जी सिद्धार्थ जी, अनिल जी एक चीज जो मैं सीखा हूँ अपने 15 साल के करियर में, वो चीज मैं दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि ये बाजार जो है वो बहुत बड़ा समुंदर है, मीठा समुंदर, मीठा पानी वाला समुंदर है, सारा पानी आप पी नहीं पाओगे, जो इसमें एक्सपर्टीज है उसी में काम करो। हाँ देखा बंसल जी, आप अपना 2 बाल्टी पानी निकालो ना, सारा कुआं क्यों पीना है आपको, तो टेक्निकल वाले पे फोकस करो, इतनी बढ़िया। अरे हमारे बंसल जी ने, आप लोगों को पता भी नहीं होगा, बंसल जी ने इतनी बढ़िया बढ़िया किताबें लिखी हुई है टेक्निकल एनालिसिस पे। बंसल जी जरा 1-2 के नाम बताइए। अनिल जी पहली किताब थी प्रॉफिटेबल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, दूसरी किताब थी मेरी एलियट वेव थ्योरी पर, और अनिल जी इस लॉकडाउन पे भी मेरी किताब लिख दी अनिल जी, वो भी प्रिंटिंग में गई हुई है, तो वो डाउ थ्योरी पे किताब है अनिल जी, वो भी जल्दी आने वाली है। बताओ अब भी आप फंडामेंटल पढ़ोगे कि टेक्निकल पे चौथी किताब लिखोगे, ये बताओ मुझे। नहीं अनिल जी किताब तो टेक्निकल पे ही लिखूंगा अनिल जी, लेकिन सीखना चाहिए अनिल जी, नॉलेज सीखनी चाहिए। देखिए अनिल जी मेरे को ना कोई कंफर्ट नहीं मिलता है, आपको तो मैं तंग कर सकता हूँ अपडेट लेने के लिए, और कितनी बार आपको मैसेज भी करता हूँ कि स्टॉक कैसा है, लेकिन मेरे अनिल जी मन में हमेशा भय रहता है कि अगर मैंने किसी दूसरे से पूछा तो मुझसे पहले वो स्टॉक ले लेगा अगर उसको अच्छा लगा तो, इसलिए अनिल जी खुद सीखना चाहता हूँ। बट ये आपने मुझे अच्छा विकल्प दिया, आज आपने मुझे उंगली पकड़ाई अनिल जी, मैं सारे मैसेजेस आपको करा करूंगा और आपसे अपडेट लिया करूंगा। नहीं नहीं लेकिन फिर भी एक चीज मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 2 किताबें लिख चुके हैं, 3री लिख रहे हैं, मंसल जी टेक्निकल के मास्टर हैं, फिर भी सीखने के लिए देखो ललक है, उमंग है, उत्साह है, जोश है, ये सब में होना चाहिए। मेरी तरह ना हो जाए कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत FNO आता है, थोड़ा बहुत फंडामेंटल आता है, तो टेक्निकल क्यों सीखना, बंसल जी कुणाल जी बाकी सब लोग है ना, लेकिन बंसल जी देखो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते किसी दूसरे पे नहीं, अच्छी बात है, सीखने के लिए बिल्कुल जितना ज़्यादा सीख पाएं जरूर सीखना चाहिए। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर हम फोकस कर लेते हैं, रिजल्ट के लिहाज से आएंगे HCLTech के नतीजे आज, आज क्या मतलब अभी किसी भी वक्त आने की तैयारी में, मैं बता दूं प्री मार्केट में आने की संभावना ज्यादा है। दूसरे रिजल्ट्स हैं आज ब्रिटानिया के, तो ब्रिटानिया के रिजल्ट्स के लिहाज से ब्रिटानिया, फिर ITC भी आएगा, लीवर भी आएगा, तो सिद्धार्थ जी जरा थोड़ा FMCG सेक्टर का आउटलुक दीजिए इस बार रिजल्ट के लिहाज से, क्या कुछ दिख रहा है, क्या कुछ होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे अब वॉल्यूम ग्रोथ आना शुरुआत होगी, और स्पेशली अगर पिछले तिमाही के नतीजे HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के देखे तो वहां पे नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ था जो पॉजिटिव पे कन्वर्ट हो जाएगा ये क्वार्टर में, साथ ही साथ दूसरी सब कंपनियों में भी अच्छे नतीजे रहेंगे। मुझे लगता है कि ITC के भी नतीजे ब्रॉडली ओके ही थे, तो मैं मानता हूं कि ये सारे के नतीजे अच्छे रहेंगे। ब्रिटानिया के नतीजे वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय था, यहाँ पे खाली FMCG का ही कंजम्पशन सभी ने किया है, तो मैं मानता हूं कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये क्वार्टर में FMCG के नतीजे अच्छे रहेंगे। अव्वल नंबर की कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओके, HUL नंबर 1 कंपनी, और HUL का स्टॉक दिखा रहा है मजबूती पे, आज भी ध्यान रखिएगा HUL पे, एक्शन कभी भी आ सकता है, बढ़ने की तैयारी में है ये, और आएगा तो हमें बताएंगे सुमित जी। सुमित जी को ये काम सौंप दिया हमने, सुमित जी जब भी लीवर आपको तोड़ फोड़ करके आगे निकलने की कोशिश करे आप चार्ट पर अलार्म लगा के रख दे, जो भी लगाते हो अलार्म लगाते हो, अलर्ट लगाते हो, जो लगाते हो वो लगा देना, हमें बता देना, बस आपके जिम्मे ये काम। आइए आगे बढ़ाते हैं देश को हेडलाइंस के साथ, करते हैं फर्स्ट रेट की शुरुआत।